आम आदमी पार्टी की बात करें तो चुनावी मुद्दों की अंदर उन्होंने एक मुद्दा दिया था कि दिल्ली के अंदर हमें कूड़े का पहाड़ हटाना है। हमारे बीच में अनिल गौर साहब है जो कि मौजपुर से निगम पार्षद है। सर क्या कहना चाहेंगे, कितना कम हुआ कूड़े का पहाड़? वो तो और बढ़ता जा रहा है, ये झूठ बोलते हैं लोग, और झूठे लोग हैं, बहुत झूठे लोग हैं। दिल्ली बिल्कुल बेकार कर दी इन्होंने, और सारे मंत्री इनके जेल में, इन्हें इन्हें शर्म लिहाज ही नहीं है। इन्हें ये सोचते हैं जेल में बेशरम लोग जैसे होते हैं ना, चिकना घड़ा चिकना घड़ा, इन्हें जितने मर्जी कहते रहो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट को दिल्ली की। देखने में आ रहा है कि कूड़े के पहाड़ की बात करें तो और ज्यादा बढ़ गए, गलियों के अंदर कूड़ा का पहाड़ बनना, बहुत ज्यादा खराबी पैदा हो गई। बिल्कुल 8 साल के 7 साल के अंदर इतनी खराबी पैदा हो गई, ये सड़कों पे गड्ढे नहीं सही कर रहे और सारी गलियों में कूड़ा वहीं का वहीं खड़ा है। हम तो बहुत मेहनत, सवेरे निकलता हूं मैं, शाम को पूरा दिन मेरे को पता नहीं चलता कहां कितना काम करता हूं मैं, ठीक है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी से सीख मिलती है हमें, तो वो भी ऐसे ही काम करते हैं। मगर अनिल जी बात करें डेंगू को लेकर, दिल्ली के अंदर महामारी इतनी फैल चुकी है लेकिन केजरीवाल सो रहा है। वो तो भाई साहब उसे कोई तरस नहीं है ना, देखो ना रेवड़ी की तरह उसे कीड़े मकोड़े की तरह मार दिए उसने कोरोना में, मारे ना मारे, दिल्ली में गैस दे देते, जो गैस पब्लिक को दे देते, ऑक्सीजन दे देते, सिस्टम को दे देते, शमशान घाट में एक सिस्टम बना देते, हॉस्पिटलों में एक सिस्टम बना देते, तो इतने आदमी नहीं मरते। संख्या तो मरती मगर इतने नहीं मरते, जिसका लाल जाता है उसे ही पता होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वही डेंगू को लेकर के आपने अपने वार्ड को किस तरीके से? मैंने तो रेगुलर फॉगिंग करवा रहा हूँ, मैं अभी खुद फॉगिंग की हर 2 गाड़ियां हर मोहल्ले में जाती है, अलग अलग मोहल्ले में मैं खुद होता हूँ। मैं बिल्कुल जब तक ये डेंगू का मच्छर रहेगा वो मैं बिल्कुल अलर्ट खड़ा हूँ, और मेरे लोग बिल्कुल जो एमसीडी के हैं, जो मलेरिया डिपार्टमेंट के, बिल्कुल सही अपना मात्रा में दवा वगैरह, मुझे कोई लेना देना नहीं। ये झूठ बोलते हैं ऊपर वाले केजरीवाल की, जो इसमें भी मेयर बैठी है, झूठ बोलती है स्टोर में दवाइयां हैं, वो दवाइयां स्टोर में है ही नहीं, और गिनती कराते हैं जी, वो तुलना कराते हैं जी, हमारे पे स्टॉक पूरा, हम स्टॉक दे रहे हैं, हम अगले 5 साल का भी स्टॉक हमारे पास है, झूठ बोलते कोरा झूठ। अनिल जी अगर हम बात करें, सदन ये चलने नहीं दे रहे, सदन ये बनने नहीं दे रहे, जो उनकी मीटिंग बैठक है वो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ये दिल्ली के तो है ही नहीं ना, दिल्ली में तो ये राज करने के लिए बैठ के झूठे वादे दे दे के, झूठे आश्वासन दे दे के, देखो पेंशन सिटीजन की, सीनियर सिटीजन की बंद कर रखी, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मैं कहता रहा हूँ। अरे भाई साहब यात्री, ये तो ढकोसलेबाजी है। एक बात बताओ, भगवान को पूजते तो ये दर दर मंदिरों में जाते ना, कई मंदिरों में देखा, पुजारियों की तनख्वाह बनाई इन्होंने, इमामों की तनख्वाह बना रखी है इन्होंने, पार्टीशन इन्होंने डाल रखा है हिंदू मुस्लिम का, हमने नहीं डाल रखा। ये एक तरफ इमाम को तनख्वाह देते हैं और पंडित को तनख्वाह नहीं देते, अरे तेरे लिए तो दोनों बराबर है, तो दोनों को तनख्वाह देना। और दूसरी बात, ये ढकोसलेबाजी करने का अलावा कुछ नहीं करते, पेंशन बंद कर रखी है सीनियर सिटीजन की, आयुष योजना हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो दिल्ली में लागू नहीं करने दे रही है, और उज्ज्वला योजना लागू नहीं करने दे रहे, पता नहीं कितनी योजना हमारे मोदी जी ने भेजी दिल्ली वालों के लिए, राजधानी वालों के लिए, वो लागू नहीं करने दे रहा। अनिल जी वार्ड की अगर हम बात करें तो लगातार फॉगिंग आप लोग तो करा रहे हैं, लेकिन जो गलियां रह गई क्या उन पे भी अभी काम? अरे भाई साहब बहुत सुंदर वार्ड बना देंगे, हमें जो काम मिलता है हमेशा हम उसे चुनौती की तरह काम करते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये केजरीवाल रहे, केजरीवाल के पापा रहे, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे वार्ड में जब चुनाव करना हो, जब आ जाए मैदान में, उठा के पटकनी मेरे को माननी आती है, हम काम के ऊपर जिंदा है, हमारी जो पब्लिक है, हमारे जो जनता है, वो मैं अपने परिवार की तरह मानता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को, तो जो जैसे मेरे परिवार को कोई चोट पहुंचाएगा तो वो मेरे को बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये हमारे बीच में अनिल शर्मा जी जो कि मौजपुर वार्ड से निगम पार्षद है, लगातार इनके वार्ड में फॉगिंग जारी है, इनके प्रयासों से गड्ढे भरने की मैं ये कहूंगा औकात नहीं है, लंबी लंबी छोड़ने के लिए केजरीवाल सरकार पीछे नहीं हटती है, दिल्ली के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, फैसला आपने करना है, 2024 सामने है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी।